आज हम रिमझिम भाग चार के छठवां पाठ नाव बनाओ नाव बनाओ पढ़ने वाले हैं। नाव बनाओ नाव बनाओ ये कविता है जिसमें एक बच्चा अपने भाई को बुला रहा है कि भैया आओ और एक सुंदर सी नाव बनाने के लिए मेरी मदद करो। अब बच्चे को नाव क्यों बनाना है उसका भी वो पूरा वर्णन कर रहा है कि बरसात का मौसम है, बादल आए हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है और उसके लिए मुझे एक नाव चाहिए कागज की, और कागज की नाव बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, मेरे पास वो सब नहीं है, मुझे बाजार जाना पड़ेगा, ये खरीदना पड़ेगा, कागज कैंची और उसको बनाने के लिए जो भी सामान लगता है वो मुझे लाना होगा, बनाना होगा, उसके लिए आप मेरी मदद करो। और बरसात में कैसा माहौल हो जाता है वो सब वो बच्चा अपने भाई से बता रहा है। और इस कविता को लिखा है हरि कृष्ण दास गुप्त ने, जो इस कविता के कवि हैं। थोड़ी सी कविता तो बहुत बड़ी है, लेकिन थोड़ी कविता मैंने इस चार्ट पे लिखी है जो मैं आपको पढ़ूंगी। आप भी मेरे साथ साथ इसको पढ़ सकते हो। इसको पढ़ने के बाद मैं इसका अर्थ बताऊंगी, ठीक है। और बारिश के मौसम में आपने कभी नाव बनाई है कागज की नाव और उसको कभी पानी में चलाया है? जरूर चलाया होगा, मुझे पता है। सब बच्चों को कागज की नाव बनाना बहुत अच्छा लगता है। ये देखो ऐसी कागज की नाव बनाई है आपने और पानी में इसको चलाया भी होगा कई बार। ऐसे कागज से तरह तरह की नाव बनाई जा सकती है। ये कागज की नाव जो बच्चे अक्सर जब बारिश के मौसम में घर के सामने थोड़े गड्ढों में नालों में पानी बहुत भर जाता है तो उसमें ये नाव चलाते हैं और मजे करते हैं, ठीक है। आप भी ऐसी नाव जरूर बनाना, ठीक है। कविता का नाम ही है नाव बनाओ नाव बनाओ, ठीक। इसलिए पहले मैं कविता पढ़ती हूँ। और बारिश के मौसम में जब बारिश बहुत होती है तो बच्चों को एक तो पानी में खेलने का भी बहुत मन करता है, लेकिन और लगातार बारिश होती रहे दो चार दिन तो उन्हें बाहर जाने को भी नहीं मिलता है। जैसे दूसरी कक्षा की किताब में एक कविता थी, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। यानी वो बादलों को बच्चे अब मत बरसो, हमको बाहर खेलने जाने दो। अगर लगातार बारिश हो रही तो आप बाहर जा भी नहीं सकते खेलने के लिए। खेलने तो तब जाएंगे जब बरसात बंद हो जाएगी। इसलिए जब यहाँ बारिश हो गई है, सब तरफ पानी ही पानी है और बच्चे की इच्छा है कि वो नाव बनाए और पानी में चलाए। कविता मैं पढ़ती हूँ। नाव बनाओ नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। यहाँ इतनी जितनी मैंने कविता तीन स्टैंजा लिखी है, आगे अभी आगे बहुत है कविता। इस तीन स्टैंजा में पहले में बच्चा बारिश कैसे हो रही है कि बादल घिर घिर आए हैं, खूब बारिश हो रही है, यानी सात समुद्रों का पानी जैसे बादलों में भर गया है और सारे बादल इतना पानी बरसा रहे हैं, तो तुम भी मेरे साथ आओ और इस पानी का आनंद उठाओ भैया, जल्दी आओ मेरे पास आओ, ऐसा उनको बुला रहा है। और फिर पानी सचमुच खूब पड़ेगा, इतनी बारिश होगी कि सारा लंबी चौड़ी गलियां पानी से भर जाएंगी,
और घर में भी पानी, घर में नदी हो जाएगी, यानी घर में भी इतना पानी हो जाएगा कि वो नदी के जैसा हो जाएगा। और इसके साथ हम तुम भी खूब खुश हो जाएंगे, आओ मेरे साथ लहराओ मतलब खुश हो जाओ, और भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो। बच्चा कितना चालाक है कि वो अपने पैसे खर्च भी करना नहीं चाहता। आप लोग भी गुल्लक में पैसे जमा करते हो? गुल्लक मतलब आपका छोटा सा पिगी बैंक, जिसमें आप कोई जब आपको पैसे देता है तो उसको जमा करते हो। तो गुल्लक भारी अपनी खोलो। बच्चा अपने भैया से बोल रहा है कि तुम्हारी गुल्लक भारी है, बड़ी है, उसमें ज्यादा पैसे हैं, तुम उसको खोलो और उसमें से पैसे निकालो। मेरी जो है वो हल्की है, मेरी गुल्लक हल्की है मतलब उसमें कम पैसे हैं, तो उसको मत टटोलो। टटोलो मतलब उसको मत छुओ, और पैसे नए नए ही रोलो। रोलना मतलब होता है लुढ़काना। जब हम गुल्लक में छेद बहुत छोटा होता है पैसे निकालते हैं तो पैसे लुढ़क भी जाते हैं, तो अच्छे अच्छे नए नए पैसे उसमें से निकालो और फिर बाजार लपक तुम लाओ। तुम बाजार जल्दी से जाओ और जो जो सामान नाव बनाने के लिए चाहिए वो सब ले आओ, और भैया मेरे जल्दी आओ। ठीक, इतने में इस तीन स्टंजा में तो कवि में कविता में जो बच्चा है वो अपने भाई से पैसे लेकर बाजार जाने का अनुरोध कर रहा है। उसके आगे ले आओ कागज चमकीला। अब बाजार जाकर तुमको लाना क्या है वो भी इंस्ट्रक्शन, वो भी निर्देश बच्चा अपने भाई को दे रहा है। ले आओ कागज चमकीला, हरा लाल या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। यानी बच्चे को ऐसी सफेद नाव नहीं चाहिए, रंग बिरंगी नाव चाहिए। और कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ। तो जल्दी जल्दी ये सब कागज वगैरह लाकर जल्दी जल्दी एक नाव अच्छी सी मेरे लिए बनाओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तैरा मुझको हर्षाओ भैया मेरे जल्दी आओ। यानी पानी में जब छप छप करके नाव चलेगी और वो इधर उधर रुकेगी अड़ेगी, वो सब देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। इस तरह से तुम नाव पानी में तैरा कर मुझे खुशी दो, मुझे खुश कर दो। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का। तो भैया कहते हैं कि नहीं, ये मेरे बस का नहीं है। यानी बच्चे के इस अनुरोध के जवाब में भाई ने कहा कि मुझे नाव बनाने आता ही नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है। फिर बच्चा कहता है कि क्यों, ये तुम्हारे बस का क्यों नहीं है? क्योंकि तुम बहुत आलसी हो, खोट सभी है यह आलस का। तुम्हारे अंदर बहुत आलस है, तुम मेरी मदद करना ही नहीं चाहते। आलस छोड़ो, सब कर जाओ भैया मेरे जल्दी आओ। अब तुम अपना आलस छोड़ दो और जल्दी से मेरी मदद करो और एक सुंदर सी नाव बनाने में मेरी मदद करो, मुझे नाव चलाना है। ठीक है, तो इस कविता में ये दिया है। इसके अलावा आप यूट्यूब पर दिया होता है, कोई छोटे छोटे आप लेसन डालेंगे, नाव बनाओ नाव बनाओ, तो छोटी छोटी कविताएं ऐसे गाकर उसमें आता है, आप वो भी देख सकते हो। और फिर इस कविता के आधार पर मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन आंसर भी दूंगी, या घर में ये जो नाव है ऐसी नाव आप घर में जरूर बनाने का प्रयत्न करना, और कविता को अपनी टेक्स्ट बुक में एक बार रीड करना, पढ़ना और समझने की कोशिश भी करना। आगे मैं फिर अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो थोड़े थोड़े वर्कशीट में ये कविता लिखकर इसके मीनिंग, कठिन शब्दों के अर्थ, राइमिंग वर्ड्स, कविता में जो जरूरी है वो होता है राइमिंग वर्ड्स,
तुकांत शब्द, समान तुक वाले शब्द, वो सब भी मैं आपको लिख कर दूंगी। और इसके बाद इस कविता को आपको याद करना है और सुर में गाना भी है, सुर में गाने की कोशिश भी करना है, ठीक है?